यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी सर्विलांस कपिल वस्तु व मिश्लौलिया थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इनके संयुक्त कार्रवाई में कई जिलों में वांछित हिस्ट्री सीटर टॉप 10 अपराधी सूरज पटवा को उसके एक साथी अनिल विश्वकर्मा के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक अदद पिस्टल, 32 बोर कंट्री मैड, 30 जिंदा कारतूस, 6 अदद देसी तमंचा, 315 बोर और 2 चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया है। पकड़े गए दोनों अपराधी सिद्धार्थनगर जिले के निवासी हैं। पुलिस की इस कामयाबी पर जिले के पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कपिल वस्तु थाने की पुलिस रूटीन के तहत वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच उसको अनिल विश्वकर्मा एक मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया। पुलिस ने उससे जब पूछताछ की तो वो गाड़ी के कागजात नहीं दिखा सका। चोरी की गाड़ी का पता लगते ही पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने टॉप 10 अपराधी सूरज पटवा का नाम बताया। अनिल के निशानदेही पर एसओजी सर्विलांस और मिश्लोलिया थाने की पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में सूरज पटवा को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस कप्तान ने बताया कि सूरज पटवा के खिलाफ लूट व आर्म्स एक्ट के 14 से अधिक मामले सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर में दर्ज हैं। इन सभी जिलों की पुलिस को उसकी तलाश थी। एसपी ने बताया कि सूरज पटवा बिहार में कंट्री मैड पिस्टल और देसी तमंचा लाकर सिद्धार्थनगर और आसपास के जिलों में सप्लाई करता था। ये थाना कपिल वस्तु ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल विश्वकर्मा है इसको रोका तो इसके पास से एक हाई क्वालिटी कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई, साथ में चोरी की बाइक। इसे और गहराई से पूछताछ करने पे इसने बताया कि इसको ये जो पिस्टल है ये सूरज पटवा नाम का अपराधी है, इसने इसको प्रोवाइड की थी। सूरज पटवा ऑलरेडी हमारे ज़िले का टॉप 10 अपराधी है। इसके ऊपर 14 से ज़्यादा मुकदमे हैं लूट के, चोरी के और आर्म्स एक्ट के विभिन्न जनपदों में। कपिल हमारे सिद्धार्थनगर जनपद, बस्ती और गोरखपुर में इस पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें फिर हमारी थाना कपिल वस्तु की टीम मिश्रौलिया और एसओजी टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए सूरज पटवा को गिरफ्तार किया। इसके पास से भी बरामदगी की गई। कुल इन दोनों अभियुक्तों के पास से एक कंट्री मेड पिस्टल, 6 तमंचा, 315 बोर मई कारतूस के साथ 2 चोरी की बाइक, 1 मोबाइल फ़ोन और 2200 रुपये नकद इनके पास से बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो पिस्टल है ये बिहार से लेके आए थे और ये जो अन्य तमंचे भी, इसमें जो भी इनको ज़्यादा दाम देता उनको ये 7 से 8 हज़ार के रूप बीच में ये बेचते हैं। इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इन दोनों अपराधियों की सिद्धार्थनगर पुलिस ने गिरफ्तारी की। सर, जिनको ये बेचते थे देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।